लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरतेहाल, सदारती इलेक्शन और शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने से पैदा होने वाली सूरतेहाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में राणा सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। नवाज शरीफ जो है वो इंतकाम का कैदी है, मरियम नवाज जो है वो इंतकाम की कैदी है और इनके सियासी इंतकाम के वो कैदी हैं। कैप्टन सफदर भी इंतकाम का कैदी है, उनका कोई जुर्म नहीं है, वो बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, वो सियासी इंतकाम के कैदी हैं। राणा सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का अमल किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो फिर असेंबलियां नहीं चलने देंगे। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया पंजाब में या वफाक में, हम इन जाली असेंबलियों को नहीं चलने देंगे। ये बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी बात है। ये हमने सिर्फ जमहूरी असूलों की खातर, जमहूरियत की खातर, कि जमहूरियत जो है वो चलती रहे, हमने तमाम तर रेजर्वेशंस के बावजूद जो है हम इन जो है वो इस सिस्टम का जो है वो हिस्सा बने हैं। राणा सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हुक्मरान इतिहाद को सदारती इलेक्शन में महज 4 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अगर अपोजिशन अलायंस किसी उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो जाए तो बा आसानी सदारती इलेक्शन जीत सकते हैं।